नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कल पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और बार नीतीश कुमार के मेगा शो का गवाह बनेगा। जदयू की ओर से कल कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आरसीपी सिंह हो या फिर जदयू के जितने विधायक हों, जितने वरिष्ठ नेता हों, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर भी लोगों के ठहरने का, खाने का, पीने का इंतजाम हो रहा है। पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई है जदयू की ओर से। पूरे पटना शहर को झंडे, पोस्टर्स, बैनर से पाट दिया गया है। लेकिन कल जो नीतीश कुमार बोलेंगे, निगाहें सबकी उस पर होंगी। अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं भुवनेश्वर में। बड़ी बात यह है कि जदयू जिस तरीके से ताकत लगा रही है, विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि वो तो रैली कर ही रहे हैं, सिर्फ सम्मेलन का नाम दे दिया है ताकि अगर फ्लॉप कर जाएगी रैली तो बचा सकेंगे। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। कल के शब्दों पर बहुत नज़र रहेगी क्योंकि तैयारियां जो है बारीकी से एकदम की जा रही हैं। देखिए आलोक, आपने सही कहा, कल तारीख है 1 मार्च जी, और जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश कुमार जी को लाइव सिटीज परिवार की ओर से। तो कल वे 69th ईयर में प्रवेश कर जाएंगे जी। कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजन किया गया है और ठीक ही कहा जा रहा है कि यह एक रैली है और तैयारी भी वैसे ही लगती है। अभी से कुछ देर पहले हम लोग शहर के विभिन्न हिस्सों से लौटे हैं, पूरा शहर तोरण द्वार से पटा है और मैं कल से ही महसूस कर रहा था कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन, नीतीश कुमार का जन्मदिन और इससे भी बड़ी बात कि कल से टिकट का सीजन शुरू होने जा रहा है। टिकट सीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कल कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू के लोग इस बात को बहुत गंभीरता से मापेंगे, नापेंगे कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुँचे, कौन लोग आए, किन के साथ आए, कितनी संख्या में, कितनी तैयारी से आए और फिर उनकी सूची बनाई जाएगी। तो आगे चुनाव है और यदि हम एनडीए की बात करें, यदि एनडीए जो आज जिस शक्ल में है, मतलब जदयू, भाजपा, लोजपा, यह बात करीब करीब तय है कि एनडीए में नीतीश कुमार रहे तो एनडीए में जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी सूरत में तैयार होकर बिहार भर से लोग आ रहे हैं, उन क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो भाजपा को कई सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। लोजपा के पास तो महज 2 सीटें ही हैं, इसलिए उधर से कुर्बानी की कोई बात नहीं बनती है। तो कल से पटना में टिकट सीजन शुरू होने जा रहा है और यदि जदयू की बात कर लें तो जदयू में टिकट के लिए सबसे ज्यादा पैरवी के दरबार कहाँ कहाँ सजेंगे यह बात भी समझने की है। तो जदयू के जो शीर्ष नेता है, जाहिर सी बात है कि उन्हीं के घर पर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार सर्वोपरि हैं, लेकिन नीतीश कुमार के समक्ष किसी की बात रख पाने में कुछ ही नेता सक्षम है, या संगठन को समझने में, ताकत को मापने में नीतीश कुमार ने जो कह दिया वो तो सर्वोपरि है, देखिए आला कमान है, लेकिन उनके बाद यदि किन्हीं के यहाँ सबसे अधिक ठोस पैरवी होगी टिकट के लिए तो वो होंगे आरसीपी सिंह, सांसद है राज्यसभा के, जदयू के संगठन प्रभारी हैं और आज भी आपने देखा गांधी मैदान में तैयारियों का, अंतिम तैयारियों का जायजा लेने वे ही पहुंचे, मंच तक पहुंचे हुए थे, चारों तरफ देख रहे थे। बिल्कुल। दूसरे नेता महत्वपूर्ण है ललन सिंह, उनके यहाँ भी टिकट की पैरवी बहुत अधिक होगी। ललन सिंह किन की सुनेंगे, किन की नहीं सुनेंगे, यह दूसरी बात है। और तीसरे नेता जो गंभीरता के साथ नीतीश कुमार के समक्ष कोई बात रख सकते हैं तो उनका नाम है विजय कुमार चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। देखिए बाकी सारे नेता हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी उम्र भी आप देखते हैं कि उन्हें अब सहारा देना पड़ता है चलने फिरने के लिए। तो अशोक चौधरी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 सबसे बड़े दरबार, विजेंद्र यादव भी हैं, सबसे बड़े दरबार नीतीश कुमार के बाद, चूंकि नीतीश कुमार के तक सीधी पहुंच थोड़ी मुश्किल है, लोग आरसीपी सिंह के यहाँ, ललन सिंह के यहाँ और
विजय चौधरी के यहाँ पहुँचेंगे। तो टिकट का सीजन कल से शुरू होने जा रहा है। टिकट के सीजन में आप देखेंगे, कल आप चेहरे देखेंगे। आज भी मैं जब देख रहा था, तोरण द्वार देख रहा था, होर्डिंग देख रहा था, पोस्टर्स देख रहा था, तो मुझे वही पुराने नेता, नए नेताओं की जमात आपने कम देखी होगी। मैंने एक कोई पोस्टर देखा सन ऑफ डोम, कोई सन ऑफ डोम भी पैदा हो गए हैं। तो नए नेताओं की जमात कम दिखी है, पुराने वाले नेता और एक कोई चंदन सिंह है, शायद सबसे अधिक पैसा होर्डिंग और पोस्टर लगाने में उन्होंने ही बहाया है, चंदन सिंह है। ये युवा जदयू के शायद मुख्यालय प्रभारी हैं। कितना लाख उन्होंने खर्च किया है भगवान मालिक है, लेकिन सबसे अधिक और सबसे अधिक दिनों से होर्डिंग पोस्टर उन्हीं के दिख रहे थे। तो ये शहर के हालात थे। अब बात रही जो आपने कही कि नीतीश कुमार कल क्या कहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार की एक एक शब्द पर कल लोगों की नज़र रहेगी, बिहार की नज़र रहेगी, देश के पॉलिटिकल पंडित की नज़र रहेगी, इंडिया के बड़े नेताओं की नज़र रहेगी, भाजपा की भी नज़र होगी कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को बिहार जीतने का मंत्र देंगे और आगे की रणनीति बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसी रणनीतियाँ भी होती हैं जो सबों के सामने खुले तौर पर नहीं कही जाती है, उसको संदर्भ में, उसको प्रसंग में कह दिया जाता है। तो नीतीश कुमार और इधर के दिनों में नीतीश कुमार जिस तरीके की चाल में बीजेपी को फांसते जा रहे हैं, देखिए मैं यह नहीं कहता हूं कि वो बीजेपी से बाहर आने जा रहे हैं या एनडीए से बाहर आने जा रहे हैं, तो लेकिन बीजेपी पर अतिरेक दबाव बनाते हुए नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो विधानसभा में भी दिख रहा है, आपने देखा है, और कहने का इसका फायदा विपक्ष के खेमा उठा रहा है। नहीं, देखिए विपक्ष कितना उठाएगा, देखिए नीतीश कुमार ने एक और काम किया ना, आप जिस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं CAA, NRC और NPR के मुद्दे पर, विपक्ष जिस मुद्दे को उठाकर सबसे आगे बढ़ रहा था, नीतीश कुमार ने उसे डिफ्यूज भी किया बिहार में। कन्हैया कुमार की रैली में यह बात लोगों ने कही ना कि बिहार में यह तय हो गया कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा, NPR 2010 के पैटर्न पर लागू होगा, तो उन्होंने डिफ्यूज करने की कोशिश भी की है। लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि भाजपा के साथ रहते हुए मुझे मुस्लिम समाज का, अकलियतों का वोट बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो सकता है 2015 की तुलना में। हाँ, इसलिए देखिए नीतीश कुमार और भी कई चाल चल रहे हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात को आप इस रूप में मत देखिए कि वे राजद की ओर बढ़ गए हैं, इस रूप में अभी मत देखिए, अभी देखने का वक्त नहीं आया है कि वे NDA से बाहर आने जा रहे हैं, लेकिन हाँ भाजपा पर वे अत्यधिक दबाव बनाते जा रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल भुवनेश्वर में अमित शाह के समक्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रखी, फिर से रखी, यह भाजपा के लिए असहज परिस्थिति हो सकती है। मोदी सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि जो परिस्थितियां हैं उसमें किसी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है, और ऐसी मांग करने वाला बिहार अकेला राज्य नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वयं भी कहा कल भुवनेश्वर में कि और भी पिछड़े राज्यों को आधारभूत संरचना की कमी की बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हमने पिछले कई वर्षों में विकास दर में दोहरे अंक में बढ़ोतरी की है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जैसे पर कैपिटा इनकम, जैसे गरीबी रेखा, जैसे आधारभूत संरचना, जैसे औद्योगिकरण, हम उसमें वो प्रगति नहीं कर पाए हैं जो राष्ट्रीय औसत है, तब कैसे हम प्रगति करेंगे, तो इसके लिए हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो मोदी की सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार नहीं सकती है अभी के जो हालात हैं। तो नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे, संभव है कि कल गांधी मैदान में भी इस संदर्भ में वो बात करें। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराएं। देखिए ये नीतीश कुमार हैं और किस तरीके से भाजपा को दबाव में लेना है वे जानते हैं। सिर्फ अमित शाह चाणक्य नहीं, अमित शाह देश के चाणक्य हो सकते हैं, बिहार में चाणक्य नीतीश कुमार। तभी तो सदन के अंदर सभी बीजेपी नेता देखते रह गए और कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हो गया। नहीं देखिए ना, अब एक हालात पर आप सोच लीजिए, नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज मैं पब्लिक ओपिनियन करा रहा था, इसमें सभी के सभी सहमत थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव पहले कर चुके हैं, तो अब सोचिए यदि नीतीश कुमार यह प्रस्ताव लेकर चले आते हैं कि बिहार से एक स्पेशल डेलीगेशन या कहें ऑल पार्टी डेलीगेशन दिल्ली चले, प्रधानमंत्री से मुलाकात करें, राष्ट्रपति से मुलाकात करें, और इस शिष्टमंडल में भाजपा भी शामिल हो और बिहार
के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दिल्ली में उठाई जाए तो वैसी स्थिति में भाजपा क्या करेगी? भाजपा को नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाना होगा, और जब दिल्ली में नीतीश कुमार की बात, मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं स्वीकार की जाएगी तो फिर नीतीश कुमार के पास बोलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिल जाएगा, भाजपा परेशान हो जाएगी, फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं जी। तो इसीलिए नीतीश कुमार जो कल बोलेंगे एक एक शब्द, वो विरोधियों को भी जवाब देंगे, वो अपना काम भी गिनाएंगे, वो पिछले 15 साल की उपलब्धियां बताएंगे और पीछे के 15 साल का क्या दृश्य था वह भी बताएंगे। मतलब जिसे लालू यादव का जंगल राज कहा जाता है, लालू यादव राबड़ी देवी का, तो वो गिनाएंगे जी। आगे लेकिन जैसे बातें हो रही हैं सीटों को लेकर, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, इधर चिराग पासवान भी सब जगह घूम कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा समीकरण, कैसे बैठ पाएगा, क्योंकि बीजेपी भी कोई कम हम उसे आंक नहीं सकते। देखिए आलोक, चिराग पासवान को यह पता है कि नीतीश कुमार अधिक सीटों पर लड़ेंगे, भाजपा की कोशिश भी होगी कम से कम 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ें। यदि 100 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है और अधिक सीटों पर, मतलब चाहे वो संख्या 105 हो, 110 हो, 115 हो, यदि जदयू चुनाव लड़ती है तो फिर वैसी स्थिति में लोजपा के पास लड़ने के लिए कितनी सीटें बन जाती है, बहुत बच जाती है, बहुत कम रहेगी। इसीलिए जो चिराग पासवान है वो अपना दबाव बना रहे हैं, उन्होंने एक फर्स्ट बिहारी यात्रा भी निकाली है और कई मुद्दों पर वे नीतीश कुमार को भी घेर रहे हैं, दिल्ली के मुद्दे पर भाजपा को भी घेर रहे हैं, और साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि देखिए लोजपा की तैयारी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए है। हालांकि यह बात पहले कही गई थी कि हम वैसे सीटों की डिमांड नहीं करेंगे जहां भाजपा और जदयू के उम्मीदवार जीते हुए हैं, मतलब बाकी सीटों पर हम दावेदारी पेश करेंगे। तो देखिए सीटों का लोचा है, इसलिए चिराग पासवान अपनी सरजमी तैयार कर रहे हैं, अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। तो चिराग पासवान और क्या करेंगे इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे, पर नीतीश कुमार कल जो बोलेंगे एक एक शब्द, क्यों बोले, कैसे बोले, इस पर नजर रखनी होगी। और बिहार में टिकट का सीजन, जदयू के टिकट का सीजन कल से, मतलब 1 मार्च 2020 से प्रारंभ हो रहा है। आप रोज देखेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र के लिए किसकी चर्चा अधिक हो रही है, किसकी चर्चा कम हो रही है। कल के बाद इस बात की प्रेजेंटेशन होगी कि हम अधिक संख्या में लोग लेकर आए। आप देखिए ना, कई क्षेत्रों में जदयू के नेताओं में ही इतनी आपाधापी है, मारामारी है, पोस्टर्स किसके कहां कहां लग जाए, जदयू और भाजपा में ही तनातनी है, सड़कों पर जगह खोजे जा रहे हैं कि कौन कितना पोस्टर्स लगा सकता है, कहां दिख जाएगा। बिल्कुल, कभी 1 घंटे के बाद उनकी पोस्टर दिख रही है, 2 घंटे के बाद उनकी पोस्टर दिख रही है। तो ये हालात हैं और इस पर आप नजर रखनी होगी, क्योंकि कल जदयू के चुनावी संघर्ष का या चुनावी रणभेरी बजने जा रही है कि हम बिहार लड़ने को तैयार हैं, बिहार जीतने को तैयार हैं। आगे राजद, आपको पता है तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकले हुए हैं, रैली करेंगे, बेरोजगारी हटाने का मुद्दा बना हुआ है। और अब तेजस्वी यादव को भी राजद को भी रैली करनी होगी गांधी मैदान में, 14 अप्रैल, शायद 14 अप्रैल को लोजपा ने रैली की घोषणा कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है अब बिहार पर, बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट तेजी से हो रहे हैं, इस पर हमें और आपको निश्चित तौर पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए वादे गढ़े जाएंगे और नारे भी आपके सामने गढ़े जाएंगे, जनता किस नारे को चुनती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कल के नीतीश कुमार के शब्दों पर पूरे बिहार कह सकें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी नज़र रहेगी कि आखिर नीतीश कुमार क्या कहते हैं और किस संदर्भ में कहते हैं, जनता पर उसका क्या असर पड़ता है, उन सभी बातों से भी हम आपको कल रूबरू कराएंगे। इसलिए लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि लगातार जो खबरों का सिलसिला हम जारी रख रहे हैं उससे आप भी जुड़ सकें। धन्यवाद।